बटाला दे अचली गेट दे नज़दीक एक छोटा प्राचीन मंदिर है जिस मंदिर च श्रद्धालु दूर दुराडे तो नतमस्तक होने लिए आउंदे हन। इस पुरातन मंदिर का इतिहास भी बहुत वखरा है। दस्या जांदा है कि इस मंदिर च सुशोभित श्री हनुमान जी की मूर्ति नाल कई चमत्कार जुड़े हन अते हनुमान जी की मूर्ति गर्मियां विच पसीने नाल भिज जांदी है। हाँ जी बिल्कुल, तुसीं भी हैरान हो जाओगे। इस मंदिर विच सेवा निभा रहे सेवादार ने दस्या कि इस मंदिर च कई साल पहला संत भगती करदे सन अते उन्हां इत्थे पहलवानां नूं दस्या कि मंदिर लई राजस्थान तों विशेष मूर्ति आई है। पहलवानां ने सोचा कि दो पहलवान काफी होणगे मूर्ति चुकण लई क्योंकि मूर्ति ज्यादा भारी नहीं होवेगी। पर जदों ओह पहलवान बटाला रेलवे स्टेशन ते मूर्ति लैण पहुंचे तां मूर्ति उन्हां कोलों चुकी नहीं गई। पहलवानां ने यह गल आके संत नूं दसी तां संतां ने कहा कि तुहानूं अपनी ताकत ते घमंड आ गया है। उस तों बाद ओह फिर मुड़ के चले गए तां उन्हां वल्लों फिर पूरी विधि अते मर्यादा नाल जो मूर्ति नूं लिआंदा गया ते ओह आसानी नाल मूर्ति नूं चुक वी पा रहे सन। इस तों बाद के मूर्ति नूं मंदिर दे अंदर स्थापित कर दिता। इस मूर्ति की खासियत यह भी दसी जाती है कि मूर्ति गर्मियों में अपना आकार बदल लेंदी है ते गर्मी च मूर्ति जिवें पसीने नाल भर जाती है ते झोला भी पूरी तरह पानी च भिज्जा हुंदा है जिस कारण गर्मियों में मूर्ति के झोलियां नूं कई बार बदलना पैंदा है। सेवादार दसदे हन कि इस चमत्कारी मंदिर च जो भी श्रद्धालु सच्चे मन तों अरदास करदा है ओह हर एक दी मनोकामना पूरी हुंदी है। पहला चमत्कार यह होया सी इत्थे बाबा सीता राम जी रहिंदे हुंदे हन। उन्होंने कुछ भलवाना कहा भी जाके तो मूर्ति लैओ, स्टेशन पर आई आ राजस्थान चो जयपुर तो। वो जो स्टेशन वो कह लगे महाराज जी ये कड़ी गल अं दो जने जाने मूर्ति च वो जो इस स्टेशन पर गए ने मूर्ति लगे चुकन वास्ते तो मूर्ति चुकी नहीं गई। उन्होंने उतो स्टेशन के चार पाँच बंदे होर लाए ये मूर्ति चुकी नहीं गई। वो हार के वापस इतने मंदिर आ गए। आन के सीता राम बाबे नूं कहन लगे महाराज जी वो तो मूर्ति आउंदी नहीं गई। फिर महाराज जी बाबे सीता राम जी ने इतने प्रसाद तैयार किया। वह कहन लगे तुसीं हंकार च आ गए ही वो तुहाडे नाल नहीं आउणे। इतों प्रसाद जाके तैयार करके जाके स्टेशन पर गए ने इन्हें क्या मूर्ति नूं भोग लवाया तो कहन लगे भी चलो महाराज साढ़े नाल चलो। वो दो बंदियां ने मूर्ति चुक के इत्थे लैण दी ते इत्थे लिया के स्थापन की। इत्थे कई वारी उन्होंने जिंदा किया इन्हों कई वारी मतलब जौवां च तिलां च कई चीज़ों के जिंदा करके मुड़ के मूर्ति स्थापन की गई है। ये मूर्ति बहुत इतिहासिक मूर्ति है। इनका गर्मियों के वेखो आन के तो सारा चोला जोड़ा पसीने ना भर जाता वा तो इनके मुख जोड़े वक्रे हो जाते गर्मियों से तो जो सियाल आ अपने आप जुड़ने चालू हो जाते। इतने कई मनोकामना पूरिया होंगे ने जो मंगता वह मिलता जी। ये बहुत पुराना मंदिर है जी। ये मूर्ति जी साढ़े अं उदों बच्चे ही हाँ जदों की सुनिया भी आई है साढ़े बजुर्ग का बहुत इतिहासक है। इतने हर मनोकामना पूर्ण होंगी है जो भी आता वो हर मनोकामना पूरी जरा 41 मंगलवार लगातार यदि पूजा करता वो हर मनोकामना पूर्ण होती है। बच्चे की दात मिलती है हर कारोबार च वाधे होंगे है लोग श्रद्धा नाल आते हैं और इतने अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। इतिहास मंदिर जोड़ा ये बाबा लाल जी सिद्ध पीठ बाबा लाल जी चंडीगढ़ के बार बार इतने हर तरह की मनोकामना पूरी बच्चे मावं दोलियां भी इतों भर जाने सू मन जी तो मूर्ति बहुत चमत्कारी है। जोड़ा मर्जी देख सकता है ये मूर्ति अपना रंग बदलती रहती है हर वेले कुछ ना कुछ अपना करतब दिखाती रहती है। जिदा के लोग जिदा कि अज देखो एक वो मुकट नाल खुले है जो ये ख्याल आ जाएगा उस नाल जुड़ जाते हैं और गर्मियों खुल जाते हैं और गर्मी बहुत पसीना आता है इसमें इसलिए ये गर्मी तो बचाने वास्ते प्रबंध किया जाता है। हाँ जी गुरु जी तो पहाड़ी वखरे हो जाते हैं और ख्याल तो नाल जुड़ जाते।